I request the dignitaries, Shri Pramod Chaudhary, Shri Dinesh Kulkarni, Dr. K.P. Singh, Chief Guest Dr. Vandana Shiva, and Dr. Rajan Velukar to please come on the dais for lighting of lamp. सब बहुत है सबके लिए पर ज्यादा भी ये बंगाल से है जैसे ऊपर आके लगाई जो चलाते हैं सिंस के कंट्रोल से ये भाषा नहीं रहा तो सब नहीं डिस्ट्रिक्ट National Consultative Convention, on behalf of G.H. Raisoni University, I welcome all the dignitaries on the dais and off the dais. G.H. Raisoni University, Chinwara, Madhya Pradesh has been established on 13 June 2016 under MP Government Private University Act. The university is taking shape on around 200 acres of land with 1400 students. And the programs in the university are agriculture science, engineering and technology, commerce and management, pharmacy and sciences. We look forward for this convention. Before this, we have organized National Agriculture Conclave, for which we have received a wonderful response from the Vice Chancellors and ICAR. That conclave was in association with ICAR. And today, with Bhartiya Agro-Economic Research Center, we have organized this program. I request Shri Pramod Chaudhary ji to please. Please welcome. And all the dignitaries on dais and request Shri Pramod Chaudhary sir, General Secretary BAERCE, to please give the welcome address for this function. भारतीय एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर के अध्यक्ष माने श्री डॉक्टर जलपति राव जी और भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय संगठन मंत्री एवं भारतीय एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर के मार्गदर्शक माने श्री दिनेश जी कुलकर्णी यहाँ देश के कोने कोने से आए हुए हमारे सभी विद्वजन वैज्ञानिक सभी के नाम लेना संभव नहीं है मैं कुछ नाम ले लेता हूं
डॉक्टर ए के श्रीवास्तव जी, डॉक्टर एन एस राठौड़ जी, डॉक्टर उमाशंकर शर्मा जी, डॉक्टर एन सी गौतम जी, श्री प्रभाकर राव जी, श्री बी के गौड़ जी, डॉक्टर एस के मल्होत्रा जी, डॉक्टर रमेश यादव जी, डॉक्टर वासुदेव जी, डॉक्टर भगवती प्रसाद प्रकाश जी और यहाँ अनेक एनजीओ की तरफ से आए हुए हमारे विद्वान प्रतिनिधिगण और जो देश की जो समस्याओं से जूझने वाले हमारे सोशल वर्कर, भारतीय एग्रोइकोनॉमिक रिसर्च सेंटर के सभी पदाधिकारी, मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, को वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सन 1979 4 मार्च सन 1979 में हमारे एक प्रसिद्ध विचारक हमारे डॉक्टर दत्तोपंत जी ठेंगड़ी उनके द्वारा भारतीय किसान संघ की स्थापना की गई, जो एक नॉन पॉलिटिकल फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन के नाते उन्होंने इसकी स्थापना की। ये बहुत बड़ा एक मास ऑर्गेनाइजेशन है, आज देश के कोने कोने तक लगभग सारे प्रदेशों में पहुंच चुका है, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम यहां तक पहुंच चुका है, जिलों में, सभी जिलों में इसकी शाखाएं स्थापित हो चुकी हैं, बहुत बड़ी संख्या में इसकी सदस्यता है। आज देश का यह सबसे, शायद सबसे बड़ा एक किसानों के बीच में काम करने वाला ये संगठन है। इसकी स्थापना सन 1979 में की गई। शुरुआती दौर में जब ये काम चालू हुआ तो ये एक मास ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ही इसका काम चलता रहा, लेकिन कुछ समय के बाद में फिर ऐसा लगा कि इसके अंदर जो समस्याएं हैं या जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी जो नई नई समस्याएं आगे चल के आने वाली हैं, इन सारी चीजों को देखते हुए और उन्होंने फिर एक देखा कि यहाँ एक जो वैज्ञानिकों की टीम है जिसमें देश के बड़े बड़े वैज्ञानिक हों, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हों, पत्रकार हों, बड़े बड़े लॉयर्स हों, ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए आवश्यक है जो इसका एक, कह सकते हैं, एक सपोर्टिंग रहेगा, इनके जो टेक्निकल मुद्दे हैं उनके ऊपर अच्छे से विचार कर सके। इन सारी बातों को देखते हुए फिर उन्होंने सन 1985 में भारतीय एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना की, जो भारतीय किसान संघ से रिलेटेड था, जो फीडिंग था, जो नीचे तक पहुंचाना है वो भी किसान थे, वैज्ञानिकों को सीधे किसान तक पहुंचना, प्रत्येक किसान तक पहुंचना संभव नहीं है, उसके लिए मास ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भारतीय किसान संघ पूरा जुड़ा हुआ है नीचे तक, तो किसानों से जो बिल्कुल ग्रास रूट से अंतिम किसान से उसकी समस्याएं, उसके प्रॉब्लम्स, उसका निदान दोनों लेना और उनको देना, इनका एक जो पुल के रूप में जो काम करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन भारतीय एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर, ये 1985 से लगातार ये कार्यरत है। आने वाले समय में जब 85 में उनको ऐसा लगा कि ये कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय ऐसा इस फील्ड में और ऐसा कुछ होने जा रहा, कुछ चेंज होने वाला, जो WTO डंकर प्रस्ताव के माध्यम से जिसकी तैयारी चल रही थी भारत के लिए, डेवलपिंग कंट्रीज के नाते वो कितना सुटेबल है, कितना सुटेबल नहीं है, इसका अध्ययन करने के बाद में जब ये पाया तो उसके जो माइनस थे जितने भी, वो सबसे पहले शायद देश के सामने लाने वाले हमारे डॉक्टर दत्तोपंत जी ठेंगड़ी थे, उन्होंने एक एक विषय को लेकर के और पूरा प्रस्तुतिकरण किया। उस समय हमारे यहाँ के जो बड़े बड़े चिंतक विचारक थे उस समय, और उनको ऐसा लगा कि शायद ये दक्कियों सी बातें कर रहे हैं, बैलगाड़ी के जमाने की बातें कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी बात के ऊपर रिजिड रहे, वो पूरे वहीं पर स्थापित रहे, और कुछ वर्षों के बाद में वही जो हमारे चिंतक थे उनको फिर एक्सेप्ट करना पड़ा। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर इसमें हमारी कहीं जरा भी चूक हो गई तो देश के हित में नहीं होगा, हमें बहुत ज्यादा जागरूक रह करके ही इसमें आगे बढ़ना होगा, अन्यथा हमारा देश का एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा हम नुकसान कर सकेंगे, हो जाएगा। तो ये बात, इस प्रकार का उन्होंने ये चिंतन दिया था कि भारतीय एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर के माध्यम से और जन जागृति का एक बहुत बड़ा एक कार्यक्रम उस समय आयोजित किया गया। हमारे यहाँ की जो एग्रीकल्चर पॉलिसी है इसके बारे में भी एक अध्ययन करना जरूरी था, ग्रास रूट से सारी चीजें आना आवश्यक था। उन सारी बातों को देखते हुए सन 2000 में एक एग्रीकल्चर पॉलिसी के बारे में विचार हुआ, और ये पहले ऊपर से पूरा तय करने के बाद में और जगह जगह इसकी मीटिंग्स हुई नीचे, एकदम
डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर इनकी मीटिंग ली, छोटे छोटे किसानों को वहां से बुलाया गया, उनके सजेशंस लेकर के और इसे 2000 में एग्रीकल्चर पॉलिसी की और यहाँ पर एक रचना की गई। इसी प्रकार से अभी जो आने वाला जो समय है, जो नए नए जो आ रहे हैं, जैसे एक सीट बिल के बारे में जो बात चल रही है, 2004 से अटका हुआ है, बहुत से लोगों को उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है, क्यों नहीं आने देना चाहते, उसमें एक रेगुलेटरी अथॉरिटी कहीं कुछ नहीं है, उसके बारे में भी विचार हुआ लेकिन अभी तक वो कार्य रूप में नहीं हो सका। इसके बारे में भारतीय एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर ने समय समय पर गवर्नमेंट को इसके बारे में आगाह किया और अपने बारे में इसके बारे में जानकारी दी। पेस्टिसाइड बिल के बारे में, पेस्टिसाइड बिल के बारे में तो कई बैठकों के बाद में उसमें जो जो पहले के जो बिल थे उसमें जो अमेंडमेंट्स होना चाहिए वो सब देखते हुए और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये सबमिट भी कर दिया। इसी प्रकार से भूमि सुधार के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक आयोजन किया था, उन्होंने सारे स्टेट्स को इसके ऊपर से जानकारी मांगी थी लैंड रिफॉर्म्स के बारे में। और भारतीय एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर ने जब उन स्टेट्स के जब इन लोगों से कॉन्टेक्ट किया तो वहां पर इसके बारे में कोई हलचल नहीं थी। उन्होंने वहां पर सेक्रेटरिएट में जाकर के उनसे बात करके और उसको तैयार करके और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वहां पर भेजा, अन्यथा इसमें भी बहुत सारी बातें गलत हो सकती थी। इसी प्रकार से जो लैंड लीजिंग के बारे में आया, जो पुराना जो चल रहा था जो लैंड लीजिंग बिल जो है वो एक्चुअली बना हुआ था कि किसानों की दृष्टि से बना हुआ था कि उनका कोई नुकसान ना हो सके, लेकिन आगे चल के आज जो परिस्थिति आई वो एकदम से पूरी पलट चुकी है। अब आज ये स्थिति है कि उसमें से बहुत से लोग नौकरी पेशा बन गए हैं लेकिन वो एग्रीकल्चर लैंड खाली रखे हुए, क्योंकि एग्रीकल्चर को अगर यदि किसी को देते हैं तो वो पोजिशन के आधार के ऊपर वो ट्रांसफर हो सकती है, उनकी ओनरशिप जा सकती है। इस डर की वजह से सैकड़ों एकड़ हजारों एकड़ जमीन और बैरन पड़ी हुई है। तो इसको सब देखते हुए भारतीय एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर ने इसमें वर्क किया और पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल में जाकर के इसके 5 प्रांतों की मैं इसकी बैठकें लेकर के उन नीचे से फीडबैक लिया और वो पूरा उसका सिनॉप्सिस बना करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसको सबमिट किया, नीति आयोग के साथ में इसके ऊपर बातचीत की और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देकर के आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसके ऊपर एक अमेंडमेंट बिल ला करके उसको लागू किया। इसी प्रकार से अपना जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है इसके बारे में किसानों के मन में बहुत बड़ी भ्रांतियां थी, उनको ऐसा लग रहा था, एक तो ये नाम ऐसा था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कि उनको ऐसा लग रहा था ये फॉर्म जो है ये कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर फार्मिंग करना है, ऐसा उनको लग रहा था, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो इसके बारे में भारतीय एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर ने जगह जगह इसकी बैठकें लेकर के और पूना में इसका जो सिनॉप्सिस तैयार किया कि ये कैसे आवश्यक है, और केवल वो नहीं, इसके बारे में जो लाइव स्टॉक है दूध के बारे में, आज जो अतिरिक्त तो दूध है उसका हम कहाँ उपयोग कर सकते हैं, कहाँ बेच सकते हैं, यहाँ तक कि हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इन सारी बातों को देखते हुए और वो भ्रांतियां दूर करने का प्रयास किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसको देकर के, नीति आयोग के साथ में बैठक किया और ये बिल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर भी एक बिल आ गया। इसी प्रकार से अभी चल रहा है कि एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्या है कि एग्रीकल्चर की फील्ड में हम कितना भी आगे बढ़ जाएं लेकिन हमने देखा कि ये आखिर में जाकर के इकोनॉमिकल नहीं हो पाता, ये कई वर्षों से ये रहा। जब इसका अध्ययन किया गया कि इसमें मेन क्या है तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट है और जो पैसा जो आने वाला है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी, कि आज हम चाहे जैसा हम चाहे जितना प्रोडक्शन कम करें ज्यादा करें लेकिन यदि हम बहुत बड़ी मात्रा में इम्पोर्ट कर लेते हैं, जैसा इस बार पल्सेस के बारे में हो गया अनफॉर्चुनेटली, और उसका असर ये हो कि सारे पल्सेस के सारे रेट नीचे आ गए और किसानों को बहुत, उसके बाद में फिर ये भावांतर योजना लानी पड़ी, ये भी भारतीय एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर ने और इसके ऊपर विचार करके देखा कि ये परचेजिंग पॉसिबल नहीं था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, किसानों को ये बोल दें कि वो अपना बेच लें और एवरेज जो डिफरेंस है वो हम उनके अकाउंट्स में सीधा ट्रांसफर कर दें, इसको नाम दिया भाव का जो अंतर है वो हम उनके अकाउंट में जमा करना, तो ये भावांतर जो एक वर्ड लाए ये भी भारतीय एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर ने इसके ऊपर काफी काम करके ये लाया। लेकिन इसका भी फील्ड में एक्चुअली इसका दुरुपयोग हो गया, वो शब्द बदनाम करने का काफी प्रयास किया क्योंकि उसमें जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट थे वो पूरे नहीं हो सकते थे, क्योंकि सीधा अगर पैसा फार्मर्स के अंदर अकाउंट में चला गया तो जो बीच में जो लेन देन होता था वो सारा बंद हो जाएगा। इसके बारे में इसको अलग अलग तरीके से मैनिपुलेट करने का प्रयास किया गया। उसी प्रकार से ये एमएसपी के ऊपर भी नीति आयोग के साथ में बैठक हुई, वो आवाज गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुंचाई गई, उनको बताया कि आज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी नहीं मिल रहा, लाभकारी मूल्य तो बहुत दूर की बात है, और ये सारी बातों के ऊपर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में भारतीय एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर ने 2006 में देश के कोने कोने में इसके बारे में बैठकें ली कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का सबसे पहले प्रोफार्मा कैसे हो, हम कैसे उसको करें, वो जो प्रैक्टिकल हो, जो यहाँ पर बैठ करके किसी एसी चेंबर में बैठा हुआ ना हो, नहीं होना चाहिए, एकदम ग्रास रूट से बना हुआ होना चाहिए,
कि क्या इन्वेस्टमेंट रहता है लॉन्ग टर्म में, पूरे उसके सारे कितने खर्चे हैं और उनके खुद के फैमिली मेंबर्स कैसे कैसे इन्वॉल्व रहते हैं, वो सारी बातों को देख करके एक प्रोफार्मा होना चाहिए कि एक सिंपल किसान उसको भर दे और सीधा अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल दे। ऐसा एक प्रोफार्मा तैयार करने का और तय हुआ, लगभग इसको 2 से 3 साल का समय लगा, और लेकिन ये ला करके और उसका प्रोफार्मा तैयार किया, उसके डेटाज लाए, डेटाज ला करके और नीति आयोग के साथ में डिस्कशन हुआ, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर उसके ऊपर भी इसके ऊपर बात हुई, वहाँ हमारा रिप्रेजेंटेशन गया, और ये सारा देने के बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये एक्सेप्ट करना पड़ा कि नहीं, कहीं ना कहीं कोई कमी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक हम दे नहीं पा रहे आज किसानों को। और उसका ये परिणाम हुआ कि हमारे जो प्रधानमंत्री, और पहली बार ऐसा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसानों को मिले, और केवल वो ना मिले उसके ऊपर 50% लाभांश मिले, इसकी बात प्रधानमंत्री ने कही, वित्त मंत्री ने कही, इसके ऊपर प्रयास शुरू हुए, वृहद स्केल के ऊपर आज इसका प्रयास चल रहा, आगे जैसा भी है कि ये कार्य रूप में परिवर्तित निश्चित रूप से होगा, लेकिन तब तक के लिए उसका परिणाम यह हुआ कि MSP जो बने हुए थे उसमें परचेजिंग नहीं होती थी, लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि इसके ऊपर परचेजिंग इस बार काफी बड़ी मात्रा में और कई कई स्टेट्स में, और इसके ऊपर परचेजिंग करना पड़ी उनको, ऐसा एक दबाव, और पूरा जो हमारे देश के वैज्ञानिक हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, इन्होंने भी काफी अच्छा इसमें रोल किया है, और उनके दबाव के कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सारे स्टेट्स को और ये सारी चीजें मानना पड़ी। आज ये MSP के ऊपर परचेजिंग के बारे में जो आवाज आ रही है वो सब ये आप सारे जो वैज्ञानिक यहाँ जो आप लोग विद्वत जन आए हुए हैं, आप लोगों को बहुत बड़ा दबाव रहा, और उसका एक परिणाम, एक अच्छा परिणाम किसानों को पहली बार मिलने जा रहा है, ऐसे हम उम्मीद कर रहे हैं। तो इस प्रकार का ये रहा कि आपने अपना बहुमूल्य समय देकर के किसानों के लिए और जागरूकता का परिचय दिया, इतना कहते मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, धन्यवाद। Thank you, sir. To deliver the theme of convention, I request Shri Dinesh Kulkarni, sir, to please come on. सबको नमस्कार। आज के इस विशेष प्रकार से नेशनल कंसल्टेशन कन्वेंशन फॉर सीड में उपस्थित अपनी मुख्य अतिथि आदरणीय वंदना जी, हमारे इस भारतीय एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर के अध्यक्ष डॉक्टर चलपति राव जी, जिनके सहकार्य से ये कन्वेंशन हो रहा है, ऐसे राइसोनी ग्रुप से आए हुए वहाँ के कुलपति साहब डॉक्टर विलुकर जी, और जिनका इसमें बहुत बहुमूल्य इस प्रकार का सहयोग मिला है, ऐसे हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कुलपति महोदय डॉक्टर KP सिंह जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य विद्वत जन और किसान भाइयों, हम सब लोग जानते हैं कि कृषि के दृष्टि से बीजों का कितना महत्व है, जमीन पानी के साथ ही उतना ही बीजों का महत्व है, और जब बीज नहीं होगा तो कुछ बात नहीं हो सकती है। और हमारे देश में तो बहुत प्राचीन काल से इसके संबंधित बातें होती आ रही है, बीजों का संवर्धन करना है, संरक्षण करना है, पुनरुत्पादन करना है, इस संदर्भ में हमारे पास में अनेक रेफरेंस पुराने जमाने से मिल जाते हैं, और संतों के कहनों में भी बहुत बार आ चुका है। महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत जो है संत तुकाराम जी, उनका तो एक उस प्रकार का अभंग है जो हम इधर चौपाई वगैरह कहते हैं, उस प्रकार से अभंग है, शुद्ध बीजापूटी फले रसाल कोमटी। इसका मतलब है कि अगर बीज शुद्ध होगा तो ही उसका जो फल मिलने वाला है वो फल बहुत ही अच्छे प्रकार से मिलेगा, अगर बीज अच्छा नहीं होगा तो नहीं होगा। और हमारे कहावतें में भी है, बोया बबूल और पाएंगे कहां से आम, जैसे भी अनेक कहावतें हैं, तो यहां तक कि बीज के मामले में अपनी स्थिति है, और इस बात को हम बहुत अच्छे तरह से जानते हैं, हमारे यहाँ का किसान भी इसको बहुत अच्छी तरह से समझता है। आज भी अनेक प्रकार के इसके संदर्भ मिल जाते हैं कि जिसकी परंपराएं पद्धतियां किसान चला रहे हैं। अब ये भी
दो तीन महीने पहले जिनकी मृत्यु हो गई ऐसे विदर्भ प्रांत के दादा साहब खोबरागढ़े, हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं उनको कि एक अशिक्षित माने अपने लिटरेसी के दृष्टि से अशिक्षित मगर समझ के दृष्टि से तो बहुत काफी समझदार। उन्होंने अपने खेत में जो प्रयोग किए उसमें से धान का बीज उनको एक अच्छा मिला और मिलकर उसका भी उन्होंने प्रोपोगेशन किया और उसकी जो जब बिक्री करने के लिए बाजार में गए तो उसके बीज के बारे में आढ़तियों ने पूछा कि ये बीज कौन सा है, तो उन्होंने बताया कि कोई मुझे जानते ही नहीं, मैंने भारत में घड़ी थी HMT जो तो बता दिया HMT धान है और हम जानते हैं कि HMT धान के नाम से ही वो पूरे दुनिया में प्रसिद्ध हो। तो ऐसे किसान कि जिनको इन प्रकार से इस पद्धति का ज्ञान उनके एक तरह से खून में ही है, इस प्रकार की स्थिति अपने यहाँ है। बीज के काल में थोड़ी सी हमारी स्थिति अनाज के मामले में गड़बड़ हो गई थी तो हरित क्रांति अपने यहाँ लाई गई। हरित क्रांति के सफलता में बहुत बड़ा योगदान इन बीजों का है। इन बीजों के कारण जो वैज्ञानिकों ने हमको दिए बीज, उन बीजों के कारण यहाँ के किसान ने इसमें प्रगति करते हुए और अनाज के गोडाउन भर देने तक का काम किया कि जिसके बारे में अनेक महाशक्तियों को यह आशंका थी कि वहां भारत में इस विषय को लेकर दंगे हो जाएंगे, मगर ये स्थिति में रहते हुए एक स्वयं पूर्णता के तरफ हमने यशस्वी रूप से आगे बढ़े। तो इसका अगर कोई महत्व का कारण होगा तो उसमें जो बीज मिले किसान को ये रही। 1966 में इसके लिए कानून बना, फिर बाद में भी चक्र बढ़ते रहेगा तो नई नई वैरायटीज आती रही, नए नए अनुसंधान होते रहे, सब बातों को कहीं ना कहीं को भी एड्रेस करने की बात आई। किसानों को एक अच्छे प्रकार से गुणवत्तापूर्ण और निश्चित रूप से उसको बीज मिले इस दृष्टि से कुछ बात की दृष्टि से 1966 का कानून बना, पर परिस्थितियां बदल गई तो और भी बातों को उसमें समाहित करने की बात आई। बीज के काल में कोई सीड कंट्रोल की बात आ गई, कुछ सुई जेनेसिस की बात आ गई, इसी बीच में WTO चला, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर चला, 1970 के पेटेंट कानून को भी इसमें और लपेटा गया और इन सब बातों से मिलकर इस प्रकार की स्थिति पैदा होने लगी कि किसानों को सुरक्षित रूप से सही अच्छे बीज मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे, उसका जो संप्रभुता है उसकी जो अधिकार है वो सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा। और इसके लिए बहुत सारी चर्चाएं अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में भी हो रही है और उसी में से फिर निकलकर अपने यहाँ भी कुछ नई नई बातों को सामने लाते हुए कुछ कानून करने की भी बात है। उसमें से प्लांट प्रोटेक्शन PPVFR का जो एक्ट है वो भी अपने यहाँ आ गया, उसमें से कुछ मात्रा में किसानों को संरक्षण की बात उसमें से आ गई। किंतु इन सब बातों को समाहित करते हुए सही मायने में किसानों को उनके अधिकारों का संरक्षण करते हुए और आज भी बहुत बड़ी मात्रा में है, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज भी अच्छे प्रकार से अगर सीड का सप्लाई किसानों तक होना है तो वो मात्र 10-15% तक ही किसानों को अच्छे सप्लाई हो रही है। और ये केवल अनाज के मामले में नहीं है, सभी प्रकार के बीजों के मामले में। जब इस सीड कन्वेंशन की बात आई थी तो उस समय जो एनिमल हस्बेंड्री है, फिशरीज है, इस सेक्टर की भी बात करनी है कि मैं जब बंगाल में, उड़ीसा में और असम के तरफ गया था तो ध्यान में ऐसा आया कि वहां के किसानों को भी जो प्योर सीड मिलना चाहिए फिश का वो नहीं मिल रहा और उसके कारण बहुत बड़ा उनका नुकसान उसमें हो रहा है। मगर आज हम जो लोग विचार करने बैठे हैं तो वो अभी का जो अपने अनाज और फसलों के बीजों के बारे में तक ही हमको सीमित रखते हुए आगे की बात करें ऐसा विचार उसमें आया, क्योंकि वो विषय को अगर करना है तो उसको और भी थोड़ा सा और ज्यादा समय देकर करना पड़ेगा, मगर जो अपने पास में समय उपलब्ध है उसमें ऐसा करना चाहिए करके बात आए। आज किसान की अगर आवश्यकता कोई होगी तो किसान की आवश्यकता उसको एक क्वालिटेटिव सीड की एश्योर्ड सप्लाई होनी यह बात की आवश्यकता है। आज इस मामले में हमारा देश में बहुत कमी है, बहुत सारे
बने हुए हैं, एनएससी बनी हुई है, नेशनल सील्स कॉर्पोरेशन बना हुआ है, स्टेट लेवल पर कॉर्पोरेशन बनी हुई है, मगर इनके बीच में बहुत सारी और भी कुछ करने की आवश्यकता है, क्योंकि इनमें जब तक सुधार नहीं होंगे तब तक नीचे जाकर किसान को योग्य प्रकार का बीज नहीं मिल सकता। हमारी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इस मामले में बहुत अच्छे प्रकार से काम भी कर रही है, जैसे एचयू का उदाहरण है, जबलपुर के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का उदाहरण है, या परवनी का भी है, तो यहाँ आज भी किसानों के प्रतीक्षा रहती है किसानों, क्योंकि वहां को आपको अच्छा बीज मिल जाए। और सही में हमारे एचयूज में इस मामले में बहुत अच्छे प्रकार से काम भी किया। इस काम को और आगे बढ़ाने की दृष्टि से भी हमको बात करनी पड़ेगी, और जो नए विषय इसमें जुड़े हैं, आज WTO का कोई विशेष प्रकार का संदर्भ रहा नहीं है, WTO आगे चलेगा नहीं चलेगा इसकी कोई बात अभी समझ में नहीं आती है, मगर ये कोई बात आगे चलेगी ऐसा नहीं लगता है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर की बात नहीं है, मगर फिर भी उन बातों को लेकर आज हमारे देश में अलग प्रकार से स्थिति बनने की बात हो रही है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ करने की आवश्यकता है, मगर जैसे उल्लेख किया महामंत्री जी ने कि 2004 में सील बिल अपने यहाँ आता है, और आज 2018 खत्म होने के बाद में भी वो सील बिल पारित नहीं होता है, एक तरह से 14 साल का वनवास इस बिल को हो गया है, और 2004 से लेकर अभी तक करने में कोई भी सरकार, सब प्रकार की सरकारें आकर गई, यूपीए से लेकर एनडीए तक की सरकार हो गई, सरकार आने के बाद में विषय शुरू होता है और फिर ठंडे बस्ते में चला जाता है, समझ में नहीं आती क्या बात। तो भारतीय एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर के लोगों को और किसान संघ के कार्यकर्ताओं को यह लगा कि इस मामले में हमको आगे बढ़कर कुछ बात करने की आवश्यकता है, और जो मुद्दे भी मैंने चर्चा की उसमें ध्यान में रखते हुए हमको एक नई प्रकार से सीड पॉलिसी बनाकर सरकार के सामने रखने की आवश्यकता है। ये जो सीड पॉलिसी होगी तो उसका आधार क्या होगा, उसका आधार यह होगा कि देश की अन्न सुरक्षा, क्योंकि बढ़ती आबादी, जलवायु के परिवर्तन, बायोडायवर्सिटी के विषय, इन सब विषयों को ध्यान में रखते हुए हमको देश की अन्न सुरक्षा ये प्रथम क्रमांक पर रखकर, और साथ में जो दूसरी बात होगी वो किसानों की संप्रभुता, किसानों के अधिकार, क्योंकि हमारे देश की एक अलग प्रकार की स्थिति, हमारा देश कोई कारपोरेट खेती वाला देश नहीं है, हमारे देश में खेती है जीवन यापन का साधन है, ऐसे जीवन यापन के साधन करते समय किसानों के अधिकार की, किसानों के संप्रभुता की पूरी तरह से हमको गारंटी देने की आवश्यकता। तो हमको जो सीड बिल बने, सीड पॉलिसी हम बनाएंगे, बीज नीति बनाएंगे, तो इसमें हमको विचार करने की आवश्यकता है, और इसी दृष्टि से हमारे भारतीय एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर ने एक सामूहिक चिंतन की प्रक्रिया इसके माध्यम से करने की बात की। जब सामूहिक चिंतन होता है तो सभी संबंधित घटकों को साथ में लेकर बात करने की आवश्यकता रहती है, और वही प्रयास इस कन्वेंशन में किया गया है। इसमें साइंटिस्टों को बुलाया गया है, इसमें जो पॉलिसी मेकर्स हैं ऐसे भी लोगों को बुलाया गया है, जो स्वयं किसानी किसानों के बीच में काम करते हैं ऐसे भी है, किसान कार्यकर्ता भी है, तो ऐसे, और साथ में ही जो आज बड़ा सीड इंडस्ट्री का हमारा सेक्टर है उसको भी इसमें साथ में जोड़ा गया है, कि इसकी भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, अगर पूरी 100% हमको सप्लाई अच्छी तरह से करनी है, क्वालिटी और एश्योरिटी, तो उसमें हम सब घटकों को एकत्रित करके विचार करना पड़ेगा, और सब एक दूसरे के अगर देखते हुए अपने अपने अधिकार के साथ में कर्तव्यों की बात करेंगे तो निश्चित रूप से आज का एक प्रयास सफल हो सकता है। इस दृष्टि से ही ये हमारी बात करने की ये बात आई, लोग अपने अपने बहुमूल्य सुझाव देंगे, इसका थोड़ा सा एक अलग प्रकार से भी इस चर्चा सत्र के बारे में विषय किया है। बहुत बार ऐसे कंसल्टेशन हो जाते हैं तो पैनल डिस्कशन बैठता है, पैनल डिस्कशन में सब लोग अपनी अपनी बात रखते हैं, PPT हो जाता है, और पार्टिसिपेटर को ज़्यादा उसमें अवसर कम मिलता है। तो इस बार ये सोचा है कि विषय की थीम ये कोई 5-7-10 मिनट में कोई चर्चा इनिशिएट करने वाले रखेंगे, उसके आधार पर यहाँ बैठे हुए हर कोई उसमें अपने सहभागिता दे सकेगा, इस प्रकार से उसको कंसल्टेशन करते हुए अपने अपने मुद्दों के आधार पर हम यहाँ अपना विषय रखेंगे, अपने सुझाव रखेंगे, और उसके आधार पर फिर एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाने की दृष्टि से हम आगे बढ़ेंगे। तो आप सब लोग यहाँ पधारे हैं इसके लिए आप सब लोगों का धन्यवाद, और भारतीय एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर ने मुझे इस विषय को आपके सामने रखने का अवसर प्रदान किया।
उसके लिए उनके भी आभार व्यक्त करते हुए मैं अपना वक्तव्य पूरा करता हूँ। धन्यवाद। To address this function, I request Vice Chancellor Haryana Agricultural University, Dr. K.P. Singh, to please come on dais. National Consultative Convention on Seeds के आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित हमारी बड़ी बहन और देश की जानी मानी पर्यावरणविद सामाजिक कार्यकर्ता बहन डॉक्टर वंदना शिवाजी, सारे देश को राष्ट्रीय सोच के साथ कृषि की तरफ अग्रसर करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े किसानों के संगठन भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आदरणीय दिनेश जी कुलकर्णी और किसान संघ के प्रयासों से उत्पन्न हुए बहुत ही एक शोध परक परंपरा के साथ काम करने वाले भारतीय एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर के अध्यक्ष जलपति राव जी, प्रमोद चौधरी जी, वाइस चांसलर डॉक्टर राजन वेलुकर जी और बहुत ही सम्मानित हमारे डीडीजी एजुकेशन डॉक्टर हमारे वाइस चांसलर यूएस शर्मा जी और एसके मल्होत्रा जी, आशुतोष जी, बीके गौड़ साहब, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे बीच हैं और इसके अलावा भी इस अच्छे काम के लिए, इस पुनीत काम के लिए बहुत सारे लोगों को भारतीय एग्रो इकोनॉमिक्स रिसर्च सेंटर की तरफ से इनवाइटेड किया गया। को होस्ट जितने भी इंस्टीट्यूशन से वो सब आज एक बड़ी चिंता की बात है और वो चिंता की बात ये है कि ग्लोबल लेवल पर अगर हम देखें तो सबसे जो शक्तिशाली देश है वो भी अपनी ग्लोबल रेस्पॉन्सिबिलिटी से हट रहे हैं, दूर हो रहे हैं। मैं अगर अमेरिका का जिक्र करूं, अमेरिका ने पेरिस ट्रीटी को तोड़ दिया क्योंकि उसको अपना देश चाहिए। उसने ईरान के साथ ट्रीटी को तोड़ दिया क्योंकि उसको अपने देश का स्वार्थ पूरा करना है। ऐसी परिस्थिति में आखिर दुनिया में ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी चीज है? कोई ना कोई तो देश की, दुनिया की जिम्मेदारी लेगा। शक्ति के साथ जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, ऐसा हम लोगों का विश्वास रहा है। लेकिन शक्ति के शक्तिशाली देश भी जब अपनी जिम्मेदारियों से भागने लगेंगे अपने लोकल प्रॉफिट्स के लिए तो एक नई बात की आवश्यकता पड़ती है। हमारा देश महान परंपराओं का देश है। विवेकानंद जी के समय भी और उससे हजारों हजार साल पहले भी हम वसुधैव कुटुंबकम की बात कहते थे और वही राष्ट्रीय विचारधारा आज भी, जबकि देश एक बहुत शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय शक्ति की तरफ बढ़ रहा है, आज भी हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की परिकल्पना पर चलते हैं। लेकिन जब बड़े शक्तिशाली देश अपनी चीजों से हटेंगे तो आखिर दुनिया का क्या होगा? ऐसा लगता है कि सब अपनी अपनी चीजों में एंगेज हो जाएंगे। सारे विश्व में एक नेशनलिस्ट भावना बढ़ रही है, वो बहुत अच्छी बात होगी नेशन के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन नेशनल भावना के साथ एक ग्लोबल चिंतन की आवश्यकता होती है। और मुझे नहीं लगता कि हमारे देश के अलावा किसी अन्य राष्ट्र में ऐसी ग्लोबल चिंतन की भावना राष्ट्रीय भावना के साथ साथ बढ़ गई। हम लोग पहले भी उसी तरह से चिंता करते थे, आज भी। ऐसी परिस्थितियों में होता क्या है कि जब कोई जिम्मेदारी ही नहीं लेता तो फिर कुछ भी हो सकता है। Everything can happen.
और उनमें क्या हो सकता है, आज हम जिस चीजों पे हमारी डिपेंडेंसी बढ़ी है, मुझे बड़ी खुशी और गर्व के साथ मैं कह सकता हूँ कि हमारे देश में अगर सबसे ज्यादा स्वदेशी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का किसी क्षेत्र में विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, तो वो कृषि का क्षेत्र है, जिसमें हम आज भी 75 से 80% स्वदेशी तकनीकों का प्रयोग करते हैं, और इसमें स्वदेशी बीज भी शामिल है, स्वदेशी मशीनरी भी शामिल है। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट के काफी ग्लोबल थ्रेट हमें हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज हम, और स्वदेशी का समावेश कृषि में शुरू से ही रहा, फ्रॉम द बिगनिंग रहा, इसलिए वन ऑफ द सक्सेसफुल मॉडल है। आप देश की किसी इंस्टीट्यूशंस में आईसीआर के चले जाइए, किसी विश्वविद्यालय में चले जाइए, आपको उनके अपने बीज दिखेंगे, उनकी अपनी वैरायटीज दिखेंगी, और वही एक किसानों के द्वारा उनका एडॉप्शन दिखेगा। टेक्नोलॉजी छोटी छोटी यूट्यूब के दरवाजे से हम लोगों के गुजरात में देखिए आप, राजकोट, लुधियाना, टोहाना, इलिटरेट लोगों ने और बड़ी बड़ी मशीनरी ईजाद की। हमारा महिंद्रा सामने आया, हमारा एस्कॉर्ट और दूसरे ट्रैक्टर हमारे सामने आए। अभी फॉर्चुनेटली मैं अभी जापान में था, वहां जापान की बहुत बड़ी कंपनी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स पे काम करती है, एग्रीकल्चर फील्ड उनका टारगेट है। तो मैं डिस्कस कर रहा था कि भाई आप रोबोटिक्स में हमारे यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़िए और मशीनरी वगैरह में आगे बढ़िए, तो उनका एक बड़ा वाइस प्रेसिडेंट जैसा एक अच्छा अधिकारी, नो यू हैव महिंद्रा। उसने बड़ा एकदम कहा कि आपके पास महिंद्रा है तो वो हमारा कंपिटिटर है ग्लोबली, वो हमें आगे नहीं बढ़ने देगा। तो हमें बड़ा गर्व होता है कि हमारे आईसीआर के सिस्टम ने इसको किया और न हमें सेल्फ सस्टेन किया बल्कि उसको आगे भी बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन कमियों से हम अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। हम लोगों का जो अल्टीमेट ग्रोवर है, जो हमारा किसान है, उसकी हालत में जितना सुधार हमें करना चाहिए था वो ओवरऑल नहीं हुआ। प्रोडक्शन बढ़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, इंस्टीट्यूशंस बढ़े हैं, साइंटिस्ट बढ़े हैं, इक्विपमेंट बढ़े हैं, इंस्ट्रूमेंट बढ़े हैं, लेकिन किसान की ग्रोथ उसके साथ साथ अच्छी नहीं हुई। और उसका सबसे बड़ा कारण है, एक ही कारण है कि जब हम पॉलिसीज बनाते हैं, जब काम करने की योजना बनाते हैं, उसमें से अल्टीमेटर यूजर का, स्टेक होल्डर का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों की संख्या कम होती। अगर पहले से ही कोशिश करके हम लोग रूट स्तर पे, ग्रास लेवल पे, भारतीय किसान संघ, भारतीय एग्रो इकोनॉमिक सेंटर जैसे संगठनों को साथ रखेंगे, तो नीचे का इनपुट आने में हमें आसानी होगी और उसकी फेलियर की संभावनाएं कम होगी। हमारा देश इसमें भी हमें कोई शक नहीं, कोई हमें स्वीकार करने में कोई खराब नहीं लगता कि दुनिया के सारे इक्विपमेंट्स में स्पेशली अगर देखें तो 35 से 40% ट्रैक्टर दुनिया के अकेले भारत में खरीदे जाते हैं, जबकि हमारा जो रेशियो है, हमारा जो भौगोलिक क्षेत्र है, उस लिहाज से इतना बड़ा नहीं है। तो एक तरह से उसको हम कम कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि कहीं कहीं शॉक भी है, कहीं कहीं पॉलिसीज का फेलियर भी है, कहीं कहीं हमारे पास एक ठीक ठाक पॉलिसी बीज नहीं है। लेकिन मैं खुशी के साथ कहूंगा कि बिना किसी समस्या के आईसीआर ने अपने बीजों को संरक्षित करने के लिए एनबीपीजीआर जैसे बड़े सेंटर्स बनाए और उनको फॉलो करते हुए स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज ने भी, जैसे हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने भी मॉडर्न इंडिजिनस सीड बैंक एस्टेब्लिश किया, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने अपने बीजों को एस्टेब्लिश किया। इतिहास अपने आप को दोहराता है। जरूरी नहीं कि ज्यादा अच्छा दिखने वाला बहुत बड़ा फ्रूट, बहुत बड़ी वेजिटेबल लोगों के अट्रैक्शन का कारण लंबे समय तक रहे, क्योंकि लोगों को पुराना स्वाद और पुरानी चीजें याद आ जाती हैं। मैं ट्रेंड फील्ड में जब था यूके में, तो जो हम लोग वहां जाते थे शेफील्ड में अपना सामान खरीदने जाते थे, तो इंडियन ऑनियन और यूरोपियन ऑनियन अलग अलग रखे जाते थे, नीदरलैंड के ऑनियन, और हमसे ज्यादा ब्रिटिशर्स और जितने यूरोपीय थे, दे ऑप्ट फॉर इंडियन ऑनियन, क्योंकि उसमें एक फ्रेग्रेंस होती है, जो फ्लेवर होता है वो उनको बहुत पसंद होता है। तो ऐसा कोई समय बहुत जल्दी आ सकता है कि लोग इस तरह के बीजों से अपना छुटकारा पाएं और दोबारा इंडिजिनियस अच्छे भारतीय बीजों की आवश्यकता हो। तो निश्चित रूप से मैं सहमत हूँ आदरणीय कुलकर्णी जी के विचारों से कि इसकी एक बहुत अच्छी पॉलिसी, लॉन्ग टर्म पॉलिसी बननी चाहिए। एक बहुत बड़ा ट्रेंड और बदला है जब से ये मॉनसेंटो ने बायर को
बाहर अब क्योंकि मॉन्सेंटो का बहुत सारे मुकदमे हो गए, ये सब हो गया, बायोटेक्नोलॉजी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो गए, तो उसने सोचा कि वो अपना चोला बदल ले, इसलिए बायर ने सहमति के साथ खरीद लिया और सारे मॉन्सेंटो वाले बायर में आ गए, अब कंपनी दूसरी हो गई है। इन सब चीजों की वजह से क्या है कि जो बड़े बड़े ग्लोबल प्लेयर्स हैं उन्होंने अब सीड डिपेंडेंस से हटा लिया अपने आप को। दे आर फोकसिंग ऑन रूट स्टॉक, दे आर फोकसिंग ऑन सीडलिंग्स, दे आर फोकसिंग ऑन माइक्रो प्रोपगेशन थ्रू टिश्यू कल्चर प्लांट। एक एक उनकी प्लांट फैक्ट्री मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सीडलिंग और प्लांट्स बनाती है और डब्बों में बंद होकर सीड की जगह वही सब एक्सपोर्ट हो रहे हैं, वही सब इम्पोर्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि सीड में उन्हें बहुत सारे सीड लॉस दिखते हैं, तो जब सीड की पॉलिसी बने, सीड पॉलिसी बने, तो जर्मिनेशन के जो सिस्टम्स हैं इन पे रूट स्टॉक की भी बात होनी चाहिए, उसमें सीडलिंग्स की भी बात होनी चाहिए, उसमें माइक्रो प्रोपगेशन की भी बात होनी चाहिए। हमारे देश की कंपनी, मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों ने के एफ बायो प्लांट को पुणे में विजिट किया होगा, आप सोच सकते हैं कि 60 करोड़ प्लांट बनाते हैं और उनमें से एक भी प्लांट हमारे देश में नहीं बिकता है, ऑल गोज टू द यूरोप क्योंकि वो डच कंपनी है। ये बड़े बड़े प्लेयर आएंगे जो हमारे सीड की चीजों को फ्लॉप करने की कोशिश करेंगे, उनको पता है कि गवर्नमेंट सीड लॉज और ये सब बना के हम लोगों का चीजों को करेंगे। हमें इन चीजों पे भी ध्यान रखना है, बहुत सारे विषय होंगे इनकी सबकी चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन एक बात जरूर कहना होगा कि जब भी किसी पॉलिसी में बनने में किसी अच्छे विचार मंथन में कोई राष्ट्रीय इनपुट होता है तो वो ग्रास रूट तक जरूर जाता है, उसमें राष्ट्रीय इनपुट के सोचने वाले लोग जमीन से जुड़े होते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भारतीय किसान संघ को भी और भारतीय एग्रो इकोनॉमिक, इतना अच्छा कार्यक्रम, इतने पार्टिसिपेशन साथ किया है और उम्मीद है कि ये नीचे तक जाएगा। धन्यवाद। Our chief guest for today's function is Dr. Vandana Shiva. She is an Indian scholar, environmental activist, food sovereignty advocate, and ultra-globalization author. She has authored more than 20 books. She received the Right Livelihood Award in 1993, an honor known as an alternative Nobel Prize. I request Dr. Vandana Shiva to share her thoughts in this convention today. मुझे बहुत खुशी है इस नेशनल कंसल्टेशन ऑफ कन्वेंशन ऑन सीड्स में शामिल होने में। जब चिट्ठी आई थी आपकी विनायक जी, तो मैंने कहा था कोर्ट केस चल रहा है क्योंकि आजकल एक एक जो कानून हमने बीच का बनाया है उसको तोड़ने की एक अटेम्प्ट है और सब जगह तो कंसेंट हार गया, सोचता है भारत को कॉन्कर करेगा हारते हुए। और मेरे को तो छुट्टियों का होश नहीं होता है, संडे कब है, मंडे कब है, कुछ पता नहीं होता, छुट्टी कब है मुझे पता नहीं था, छुट्टी होगी कोर्ट की तो शामिल हो पाई और बहुत खुशी है क्योंकि टेंकर जी की भी याद आ रही है। जब डंकल ड्राफ्ट बना था 91 में रिलीज हुआ था, उसका नाम हमने DDT दिया था, डंकल ड्राफ्ट एक्ट, कि ये तो भारतीय किसानों के लिए उसी तरह जहरीला होगा जैसे DDT है। हमने प्रिडिक्ट किया था उस टाइम कि अगर एग्रीकल्चर में मुक्त बाजार हो जाएगा, वो कारगिल और कोनाग्रा वगैरह कंट्रोल करेंगे, और अगर बीज पे पूरी तरह एकाधिकार हो जाएगा जो मोनसेंटो वगैरह को काबू करेंगे, और खान पीन के रास्ते में कंपनियों के डिसाइडेड सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मेजर्स होंगे, तो हम तो फिर से गुलामी की तरफ आ रहे हैं। और इसलिए हमने सबने मिलके उस टाइम GATT ही था, WTO नहीं बना था, हम लोगों ने काम करना शुरू किया और बौद्धिक संपदा कानून में और अपने बीज और जैविक विविधता के कानून में WTO में भी GATT के उस ट्रिप्स में भी बदलाव लाए और भारत के अपने स्वदेशी कानूनों में बहुत बदलाव लाए। उन्हीं के कानूनों पे अभी सुप्रीम कोर्ट का जो केस 3J पे है वो है। मोनसेंटो ने उस जमाने में कहा था हम बीमार भी हैं, हम डायग्नोस्टिशियन भी हैं, हम डॉक्टर भी हैं, बीमारी हमें दिख रही है कि किसान बीज बचाता है। डायग्नोस्टिशियन के रूप में हमें हम कहते हैं कि कुछ ऐसा कानून होना चाहिए जो बीज बचाने को गैर कानूनी माने, कोई बौद्धिक संपदा बीज पे बौद्धिक संपदा, और दुनिया भर में इस कानून को हम लागू करें वो डॉक्टरी है हमारी। We are the patient, diagnostician, physician all in one, और रिकॉर्ड है 95 में मैंने उसको लिखा है कि उनने कहा कि हमने कानून बनाया, हम अमेरिका सरकार में ले गए
और उन्हें थोपा कैट में। पर 87 में मुझे एक जनीवा में मीटिंग में बुलाया गया था जहां ये कंपनियां कह रही थी अब हम बीज पे काबू करेंगे, अभी तक हमने रासायनिक बेचे हैं पर अब हम बीज पे काबू करेंगे और हम बौद्धिक संपदा के द्वारा करेंगे और बौद्धिक संपदा बनाने के लिए हम जेनेटिक इंजीनियर करेंगे कि ये तो कुछ नया कर रहे हैं इसलिए ये बीज हमारा है और भविष्य का प्रॉफिट्स हमारा बीज पे रॉयल्टी से आएगा। तो मैंने कहा ये तो वही लगान ला रहे हैं जो अंग्रेजों ने लगान लगा के हमें गुलाम बनाया था जमीन पे, ये बीज पे लगान लगा रहे हैं, हम नहीं होने देंगे। उस दिन लौटते हुए फ्लाइट पे मैंने अपने आप से प्रण लिया कि अब से मैं जिंदगी में बस बीज बचाऊंगी और बीज की सेवा और सृष्टि की सेवा और किसानों की सेवा हम लोग करेंगे। 31 साल हो गए हैं नवदानिया यही कर रहा है, उसको एंटिटी बनाने में टाइम लगा पर बीज बचाने का आंदोलन हमने 87 से शुरू किया। ट्रिप्स में इनका मत था कि सार सब कुछ दुनिया में इनका मोनोपोली हो सकता है। हमने दो बदलाव लाए, उस टाइम गैट एम्बेसडर होते थे हमारे शुक्ला जी, उनके साथ हमने काम करके ट्रिप्स में दो बदलाव लाए कि पार्टीज में एक्सक्लूड फ्रॉम पैटेंटेबिलिटी प्लांट्स एंड एनिमल्स और ये कहते थे ब्रीडर्स राइट्स होना पड़ेगा, यूपॉप होना पड़ेगा। हमने कहा नहीं, सू जेनेरिस बनाएंगे क्योंकि हमारे किसान 80% अपना बीज इस्तेमाल करते हैं, यहाँ विविधता का देश है और हमारे अपने पब्लिक ब्रीडिंग इतना बड़ा है, आप इधर यूपॉप प्राइवेट ब्रीडर्स का लाभ दे खत्म करो। तो हमने सू जेनेरिस लैंग्वेज डब्ल्यूटीओ में डाल दिया। फिर हम लोगों ने अपने कानून बनाने शुरू किए, बायोडाइवर्सिटी एक्ट बना जिसमें अपनी जैव विविधता पे स्वामित्व भारत का अपना सॉवरन है, ये इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में भी है। पैटेंट एक्ट में हमने आर्टिकल 3J डाला, 3 बहुत सारे क्लॉजेस हैं कि आविष्कार क्या नहीं हो सकता, पैटेंट तो आविष्कार के लिए दिया जाता है, आविष्कार क्या नहीं हो सकता उसमें पब्लिक मोरालिटी को जो वायलेट करे वो नहीं हो सकता। और अभी डॉक्टर सिंह ने वसुदेव कुटुंबकम का रेफरेंस किया, वसुदेव कुटुंबकम की सोच की वजह से ही मैंने बीज बचाना शुरू किया। ये कहते हैं इनने आविष्कार किया, हम तो वसुदेव कुटुंबकम हैं, हम तो एक परिवार है। इस तरह हम प्राइवेट ओनरशिप लाइफ पे लगाने लगेंगे तो पूरी तरह ऑर्डर पब्लिक मोरालिटी का था। तो आर्टिकल 3B इसका है, आर्टिकल 3B के छोटा सा बदलाव लाके आप अपना मालिकियत नहीं जमा सकते। यही कैंसर का ड्रग नोवार्टिस बायर इसी पे हारे और डॉक्टर सिंह ने अभी मेंशन किया कि मोनसेंटो को बायर ने खरीद लिया, अभी 3 का काटल है, बायर ने मोनसेंटो को खरीद लिया है, सिंजेंटा केम चाइना के साथ मर्ज हो गया है और डाव खरीदा यूनियन कार्बाइड जिसने तबाही मचाई थी भोपाल में और वो मर्ज हो गया है ड्यूपॉन्ट के साथ। तो 3 जहरीली कंपनियां, इनको पॉइजन कार्टेल कहते हैं, दुनिया का सारा बीज तो काबू जहर बेचने का इनका धंधा बस एक ही था, जहर बेचो। हिटलर की जर्मनी में बन के कि लोगों को मारने के लिए जहर बनाओ, फिर इनने कहा नहीं हम पूरी तरह किसान की सोच बदलेंगे कि बिना जहर के खेती नहीं हो सकती और वो भ्रम फैलाया। उसी भ्रम के खिलाफ मैंने अपना सारा रिसर्च कृषि में किया है, पंजाब का किया है और एक नई हमने अपने 31 साल की सीख बायोडाइवर्सिटी एग्रोइकोलॉजी रीजनरेटिव ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में असली विज्ञान भारत से गया है। अल्बर्ट हार्वर्ड को 1905 में भेजा गया था, यही पूसा इंस्टीट्यूट शुरू करने के लिए पूसा में पहुंचे, मेरा धरती में तो इतनी दुर्बलता, कीट फसल को बिल्कुल बर्बाद नहीं कर रहे, मैंने भारत के किसान को अपना गुरु माना। 20 साल बाद उन्हें किताब निकली एग्रीकल्चर टेस्ट में, आज जिसको जैविक खेती कहते उसी से निकला, मतलब हमारा 10,000 साल की खेती का ज्ञान को ही जैविक खेती कहते क्योंकि दूसरी वाली तो मारने वाली खेती है। ये 3 का पॉइजन कार्टेल जो बना है वो ही कैंसर भी देते हैं और वो ही कैंसर की दवाई भी देते हैं और दोनों को पैटर्न करते हैं, ये उनका भविष्य है।
अभी एक बहुत बड़ा केस हुआ अमेरिका में, जिसमें प्रूव हो गया कि एक इंसान का, जॉनसन का कैंसर राउंडअप से हुआ, राउंडअप ग्लाइफोसेट, जो राउंडअप इलीगली भारत की खेती में फैला रहे, लीगल अप्रूवल बस तीन स्टेट्स में था, पर पूरे महाराष्ट्र में राउंडअप रेडी बीटी कॉटन फैला दिया है, पूरे मध्य प्रदेश में एक एक दाल को, गेहूं को डेसिकेट किया जा रहा है। इसके लिए तो हम लोगों को काम करना पड़ेगा। वो एक कैंसर केस हुआ, बायर का कैपिटल, मार्केट कैपिटलाइजेशन 30% गिरा है, क्योंकि झूठ पे आधारित था, कितना बड़ा ढांचा बना। तो 3J आर्टिकल जो मोनसेंटो चैलेंज कर रहा है अभी सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी आखिरी सुनवाई होनी थी कल, पर मैं सोचती हूँ समय दिया गया है कि हम सब मिलकर थोड़ा और कुछ कर पाए इसके लिए। आर्टिकल 3J रीड्स वेरी क्लियरली, प्लांट्स एंड एनिमल्स इन होल और इन एनी पार्ट thereof, अदर देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बट इंक्लूडिंग सीड्स, वैराइटीज एंड स्पीशीज एंड एसेंशियली बायोलॉजिकल प्रोसेसेस फॉर प्रोडक्शन और प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्योंकि पार्लियामेंट के साथ हमने बहुत काम किया था, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने बहुत रोल प्ले किया, जब हमने प्लांट्स एनिमल्स इन होल और इन पार्ट thereof कहा। इन होल और इन पार्ट thereof हमारा मतलब था सेल्स, जीन्स, एवरीथिंग। मोनसेंटो झूठ बोल के आ रहा है कि बीटी जो एंडोटॉक्सिन है ये तो केमिकल है और बीज तो मरा हुआ कैरियर है, बीज कुछ नहीं है, इट्स अ कैरियर, इट्स लाइक एन एम्प्टी वैरियल इन सेल, मेडिसिन कैप्सूल में डाल देते हैं ना, जो लोग प्लास्टिक होती है उस तरह का है तो बीज। और पहले 6 दिन उनने पूरी तरह जज के दिमाग को मोड़ दिया था, क्योंकि वो वैज्ञानिक तो है नहीं ना किसान, बीज को मार रहा है मोनसेंटो, वैसे भी मार रहा है, खेत पे भी मार रहा है, टर्मिनेटर से भी मार रहा है, पर सोल पे भी मार रहा है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे ज्ञान आ रहा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक मैसेज ट्यूसडे को सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाए, बीज पे पेटेंट नहीं, बीज के जीन्स के अंदर पे पेटेंट नहीं, क्योंकि ये जो कोशिश कर रहे हैं वो आज के लिए नहीं आगे के लिए कर रहे। बीटी से तो तबाही मना कर ही दी, बीटी कपास से विदर्भा को क्या हुआ, भटिंडा में क्या हुआ, जहां जहां बीटी कपास फैला है वो तो सब आप लोग जानते हैं। और वो झूठ के साथ फैला कि इससे बोलबम कभी नहीं लगेगा, यू नेवर हैव टू स्प्रे विद एडवर्टाइजमेंट्स। पिछले साल जब मैं विदर्भ में गई, यवतमाल हॉस्पिटल ने 130 लोग पेस्टिसाइड पॉइजनिंग से एडमिटेड, 40 लोग मिले, और हम लोग बात कर रहे हैं कि उस समय बातचीत शुरू हो गई थी एंड द चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ मेड अ स्टेटमेंट कि दिस इज कल्पेबल होमिसाइड बिकॉज वी हैव अ लीगल कॉन्सेप्ट। एक होमिसाइड होता है मैं बंदूक लेके मारू, कल्पेबल होता है कि आई क्रिएट द कंडीशंस ऑफ योर डेथ, इट्स अ लीगली रिकॉग्नाइज्ड एंड आई रियली फील वी नीड टू मूव फर्दर ऑन इट। जब हमने नवदानिया का काम शुरू किया था, एक और चीज, तो स्यू जेनरिस में 1994 में इनने दबाव डाला कि आपको यूपॉफ करना ही है, और यूपॉफ में बेसिकली ब्रीडर्स राइट्स है, बट कंपनियां किस चीज के लिए ब्रीड करती है, पहले कंपनियां कौन है जो जहर बनाती है, वो बीज कैसा बेचना चाहते हैं कि अपना जहर ज्यादा बेच पाए। तो वो केमिकल रिस्पॉन्स के लिए बनाती है, चाहे वो वॉफर राइट चीज हो, चाहे वो जेनेटिकली इंजीनियर राउंडअप रेजिस्टेंट हो, अपना राउंडअप बेचने के लिए बनाती है। हमारे किसान विविधता के लिए ब्रीडिंग करते हैं, इसलिए भारत में 2,00,000 किस्में धान की निकली, 1,500 किस्में गेहूं की निकली, 1,500 किस्में केले की निकली, आम की निकली, कुछ भी छू लीजिए, विविधता ही विविधता इस देश ने और इस देश के जनता ने तैयार की। कॉर्पोरेशंस को यूनिफॉर्मिटी चाहिए, 2 वजह से, क्योंकि जब आप एक्सटर्नल इनपुट डाल रहे हो आपको यूनिफॉर्म चाहिए। आप 5 तरह के, हम नवदानिया का नाम नवदानिया से आया है, तो 9 तरह की फसलों के लिए आप
फिक्स डोज तो दे नहीं सकते, एक्सटर्नल इनपुट के साथ डाइवर्सिटी जाती है, यूनिफॉर्मिटी चलो। और दूसरा जब बीच में काबू कर रहे हो, सेंट्रलाइज्ड हो, तो आप दुनिया भर में बेचना चाहते हो तो दो तरह के किस्म के बीज बेच चुके, विविधता तो वही होती है ना जहां की सेंट्रलाइजेशन। हम किसान रेजिलियंस के लिए तैयारी करते हैं, ये वल्नरेबिलिटी के लिए तैयारी करती है, और ये मुझे ख्याल आ रहा है इतनी बॉम्बे में यूनाइटेड नेशंस के लिए काम कर रही हूँ। मैं नैरोबी में यूनिट में गई थी उस समय 84 में, आपको ख्याल होगा इथियोपिया में बहुत बड़ा फैमिली था। मैंने यूएन कहा आई वांट टू विजिट, आई एम ऑन द फ्लाइट, मेरे बराबर एक जनाब बैठे हुए हैं, वो कह रहे क्यों जा रहे हो, मैं कहा अध्ययन करने जा रही हूँ। आप कौन हो, मैं पायनियर का रिप्रेजेंटेटिव, वो पायनियर को ड्यूपॉन्ट ने खरीद लिया है और ड्यूपॉन्ट डाउ से ले लिया। तो मैंने कहा आप किस क्या करें, हाइब्रिड बेचने जा रहे हैं, उनका तो ड्राउट है, आपके हाइब्रिड को तो पानी चाहिए, इसे यही तो है, जितना फेल होगा उतना हम बेचेंगे। नॉन रिन्यूएबिलिटी एंड वल्नरेबिलिटी इज देयर मार्केट एडवांटेज। किसान ब्रीड करता है टेस्ट क्वालिटी न्यूट्रिशन के लिए, इंडस्ट्री ब्रीड करती है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और प्रोसेसिंग के लिए। आपने स्वाद की बात की थी, नवदानिया के जो किसान बेचते हैं, हमारे 5-6 हमने आउटलेट्स भी बनाए हैं, दालें टेस्ट के लिए किसानों की, और हमने तो फिर रिसर्च भी किया है, आज येलो पी दाल आ रही है कनाडा से, 7% प्रोटीन, हमारे चना वगैरह में 35% प्रोटीन। बेचारा पंजाब का गेहूं तो बिकता ही नहीं है, सब मध्य प्रदेश के गेहूं की तरह भाग रहे हैं, क्योंकि उनके यहां गेहूं देसी गेहूं 9% protein or swab. I would love to work with your university to declare the wheat heritage of Madhya Pradesh to conserve our diversity. Definitely. We'll work on it together. Because even the governor and chief minister of the last government in Punjab, what function was in Ludhiana? So they said, we didn't take this speech. We made Madhya Pradesh. पंजाब के गवर्नर और चीफ मिनिस्टर भी मध्य प्रदेश का, और सीधे जैसे आपने बोला सीडलिंग जा रही है पुणे से, कंटेनर जा रहे हैं बाहर, और भारत में कहा जा रहा है भारत का गंदा राउंड अप स्प्रे दाल खाओ, राउंड अप स्प्रे गेहूं खाओ, उसके खिलाफ हम लोगों को विकल्प अपना बनाना ही होगा। टेस्ट क्वालिटी न्यूट्रिशन में आप किसी चीज में देखिए, और क्योंकि यहाँ यूनिवर्सिटीज हैं, एग्रो रिसर्च सेंटर है, एक बहुत बड़ा काम जो मैं और यूनिवर्सिटीज के साथ कर रही हूँ, तो बीज बचा रहे हैं, बार बार कहते हैं पोषण देखो, न्यूट्रिशन देखो। इटली में साइंटिस्ट ने काम करा और देखा कि अच्छा पुराना बीज दिखने में तो बहुत छोटा सा है, पर जब उन्होंने अध्ययन करा तो एक छोटा पुराना आड़ू खाना आपको 10 नए आड़ू खाने पड़ेंगे, उतना पोषण है। इट्स न्यूट्रिशनली डेंस, इट्स न्यूट्रिशनली डेंस। फाइटोकेमिकल्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स है। जब हमने ये काम शुरू किया था, हमारे बीज की सेवा और संरक्षण था, तो उससे बहुत कुछ निकला है। हमने फिर कहा जैविक खेती, जैव विविध खेती, और अपने बीजों के द्वारा अगर हम न्यूट्रिशन पर एकर कैलकुलेट करें यूनिफॉर्मिटी और रासायनिक खेती के मुताबिक, हमने न्यूट्रिशन पर एकर पे हेल्थ पर एकर बनाया, तो भारत के लिए हम पोषण उगा सकते हैं, तो भारत के लिए उतनी ही खेती करके जीती। क्योंकि आज हम पोषण के लिए खेती नहीं कर रहे, 95% कौन जानवरों के लिए जा रहे हैं। दुनिया में 90% सोयाबीन और कॉर्न गोज फॉर बायोफ्यूल एंड एनिमल फीड, इसलिए तो 1 बिलियन लोग भुखमरी में फंसे हुए हैं, एक खाने की व्यवस्था नहीं है। अब हाहाकार मच रहा है देश में हर जगह, किसानों की आमदनी नहीं कहीं भी, और भारत में ही नहीं है। अभी हमारी एक नई रिपोर्ट हम निकाल रहे हैं, उसकी कॉपी मैं आपके लिए फोटो कॉपी करके लाई हूँ, प्रिंट भी नहीं हुई है। ये 1-2% प्राइस कंज्यूमर के पास पहुंचता है, ये मॉडल है, इस मॉडल में है ये, मैं देखती हूं अगर मैं जल्दी से निकाल रहा हूं। किया और जगहों से और देशों से पाइनएप्पल
और हर चीज में 1% से ये ब्रेकडाउन ऑफ वैल्यू ये भी यूनिवर्सिटीज को करना पड़ेगा हमें. और पाइनएप्पल जब खरीदते हो कंपनी के पास कितना जाता है, ट्रेड के पास कितना जाता है, प्रोसेसर के पास कितना जाता है, किसान के पास कितना जाता है. और जितना ज्यादा इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग होगा, आलू में हमने देखा 5 रुपए की बोरी 50 किलो वाली और 50 और 20 ग्राम का घटिया चिप्स 20 रुपए का, किसान को कुछ नहीं मिल रहा, 1% मिल रहा है और बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, ओबीस हो रहे हैं, डायबिटीज हो रहे हैं. 7 साल के बच्चे इस शहर में 25% children are obese and are getting diabetes at 7 years old. जो chronic disease फैले हैं हमारे, एक अन्नम किताब है वो मैंने लाई पर, और एक नया manifesto हम अगले health day के लिए तैयार कर रहे हैं कि कैसे ये जहरीला खाना और जहरीला खाना उगाने के लिए जो जहरीले बीज बन रहे हैं उनसे ही chronic diseases फैले हैं.